जी हाँ दोस्तों, ये चार टीमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकता है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए सुपर 8 के दो ग्रुपों के टीमों ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए अपना दिलो जान पूरी तरह से लगा रहे हैं। तो दोस्तों आखिर कौन कौन सा चार टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का दावेदार बन सकता है, हम आप लोगों को बताएंगे इस पूरी वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में सुपर 8 के दोनों ग्रुपों में से दो दो टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि ग्रुप 1 में टॉप में रहने वाला टीम ग्रुप 2 के दो नंबर के पोजिशन में रहने वाला टीम के साथ सेमीफाइनल खेलेगा और ग्रुप 2 के टॉप में रहने वाला टीम ग्रुप 1 के दो नंबर के पोजिशन में रहने वाला टीम के साथ सेमीफाइनल खेलेगा। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि ग्रुप 2 से इंग्लैंड के टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुका है, यानी इंग्लैंड का टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाला पहला टीम बन गया है। तो दोस्तों ग्रुप 2 में साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का मैच में अगर साउथ अफ्रीका जीत हासिल करता है तो फिर साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लेगा और अगर वेस्ट इंडीज जीत हासिल करता है तो फिर वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगा और अगर बारिश के कारण मैच रद्द हो जाता है तो फिर साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं ग्रुप 1 में कौन सा दो टीमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकता है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच में अगर भारत जीत हासिल करता है तो फिर भारत सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लेगा और अगर भारत ऑस्ट्रेलिया से हार जाता है तो फिर भारत को सेमीफाइनल में जाने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना भी कर सकता है, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया बड़ी अंतर से भारत को हरा देता है और अफगानिस्तान बांग्लादेश को बड़ी अंतर से हरा देता है तो फिर भारत का सेमीफाइनल में जाने का सपना भी टूट सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर ग्रुप 1 से सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लेगा। तो दोस्तों आप लोगों को फिर से बता देते हैं, अगर भारत ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है तो फिर भारत सेमीफाइनल के लिए फिक्स हो जाएगा और अफगानिस्तान बांग्लादेश को हराते ही अफगानिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा और अगर बांग्लादेश अफगानिस्तान को बड़े अंतर से हरा देता है, यानी बांग्लादेश का रन रेट अफगानिस्तान से ज्यादा हो जाता है तो फिर ग्रुप 1 में इंडिया के साथ बांग्लादेश सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लेगा। तो दोस्तों यह था T20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में कौन कौन सा टीम क्वालिफाई करेगा उसका पूरा गणित। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।